नमस्कार दोस्तों, अपना देश चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पितृदोष के बारे में। पितृदोष क्या है, पितृदोष क्यों होता है और इसके निवारण का क्या उपाय है। वैदिक ज्योतिष की माने तो पितृदोष का कारण होता है कि हमारे अपने पूर्वजों की मृत्यु के उपरांत किए जाने वाले संस्कार तथा श्राद्ध आदि उचित प्रकार से नहीं किया जाना, जिसके चलते हमारे पूर्वज यानी कि हमारे पितर हमसे नाराज हो जाते हैं और हमें श्राप देते हैं और यही पितृदोष बनकर हमारी कुंडली में उपस्थित हो जाते हैं और हमारे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में समस्याएं उत्पन्न करते हैं। ये समस्याएं धन से संबंधित हो सकती है, विवाह से संबंधित हो सकती है और नए कार्यों में अड़चन के रूप में भी हो सकती है। दोस्तों, इसके साथ ही पितृदोष का एक वास्तविक कारण ये भी है कि पितरों के और हमारे स्वयं के द्वारा किए गए बुरे कर्मों के परिणाम भी पितृदोष का कारण बनते हैं और जिसका फल हमें और हमारे पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। परिवार के मुखिया द्वारा जो सत्कर्म और दुष्कर्म अपने जीवन में किए जाते हैं उनका फल के बाद में पारिवारिक सदस्यों को भोगना पड़ता है, विशेष रूप से उनकी संतान को। अब वो फल अच्छा या बुरा वो तो उस मुखिया के कर्मों पर निर्भर करता है। यदि पूर्वज द्वारा अच्छे कार्य किए गए हैं तो निश्चित रूप से वे अपने परिवार को संपन्नता और प्रसन्नता ही देंगे। यदि उसके अपने जीवन में अनैतिक कर्मों का ही आश्रय लिया है तो अपने परिवार को अपमान और दुख के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं दे पाएंगे। तो दोस्तों, जीवन में सत्कर्म को करना बहुत जरूरी है, बुरे कर्मों से बचें, क्योंकि बुरे कर्म मरने के बाद में भी पीछा नहीं छोड़ते हैं। दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी अड़चने आ रही है, धन से संबंधित अड़चने आ रही है, कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं शुरू नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपकी संतान विवाह के लायक हो गई हो, विवाह के योग नहीं बन रहे हैं, तो यह सब पितृदोष के लक्षण हो सकते हैं। और दोस्तों, पितृदोष निवारण बहुत ही आसान है। इसके लिए एक शास्त्र में मंत्र बताया गया है। अगर इस मंत्र का रोज 11 बार आप जप करेंगे, पितृदोष में कमी होती चली जाएगी, आपके पितृ जो है वो संतुष्ट होते हुए चले जाएंगे और जिसका परिणाम ये हुआ कि आपके जीवन में आ रही जो बाधाएं हैं वह दूर हो जाएंगी और आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलने लगेगी। तो चलिए जानते हैं कि इस मंत्र का किस तरह से उच्चारण करना है। पितृदोष निवारण या पितृ शांति के उपाय के लिए जो मंत्र बताया गया, उसके लिए आपको अपने पितरों के चित्र के सामने बैठना है और पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ हवन करना है और इस मंत्र के साथ में, पितृदोष निवारण शांति मंत्र के साथ में आपको एक और मंत्र का जाप करना है। वो इस प्रकार से है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का आप जाप करेंगे और उसके बाद में ओम श्री सर्व पितृदोष निवारणाय क्लेशम हन हन सुख शांतिम देहि फट स्वाहा, इस मंत्र का आपको जाप करना है। इन दोनों मंत्रों की यज्ञ हवन में आहुति देनी चाहिए और रोज शाम के समय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। दोस्तों, इस मंत्र के जाप से आपकी कुंडली में स्थित अनिष्टकारी ग्रह भी जो है वो शुभ फलदायी हो जाएंगे, उनका अनिष्ट का प्रभाव जो है वो आपके जीवन से हट जाएगा, वो किसी प्रकार की आपको हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। तो दोस्तों, ये था पितृदोष को दूर करने का बहुत ही सरल सा उपाय। उम्मीद है दोस्तों, ये जानकारी आप सभी के लिए बहुत मददगार साबित होगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूलें, इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को क्लिक कीजिए।